मोनाल रेस्टोरेंट लॉ मानताला ग्लोरिया जीन समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसारी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। नजरसारी दरखास्तें खारिज, अदालत ने रेस्टोरेंट के हक में ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अरकान असेंबली की गिरफ्तारी, सराय के मुताबिक गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाजत से हुई। अयाज सादिक ने अहदे पार्लियामेंट से किसी भी रुकन की गिरफ्तारी से मना किया। गिरफ्तार अरकान के खिलाफ पीटीआई जलसे के एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा है। अजमा बुखारी कहती हैं, वजीर आला केपी पंजाब पर लश्कर कशी की धमकियां देते हैं, हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते, सब पाकिस्तानी हैं। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। शेख रशीद कहते हैं, 20 सितंबर तक इंतजार करें, उसके बाद देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। वजीर आला केपी का 8 घंटे बाद राबता बहाल, इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। सूबाई असेंबली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब, इजलास का एजेंडा सामने ना आ सका। कौमी असेंबली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा, 23 निकाती एजेंडा जारी। असेंबली में आज निजी कार्रवाई का दिन है, मुख्तलिफ करारदादे और तहरीकी एजेंडे में मौजूद। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए नया कंट्री हेड मुकर्रर कर दिया। आईएमएफ के मुताबिक माहिर बेंसी नए कंट्री हेड होंगे। और कराची नूरियाबाद सदाबहार होटल के करीब ट्रैफिक हादसा, खातून और 9 माह के बच्चे समेत 3 अफराद जाबहक, लाशें नूरियाबाद थाने मुंतकिल कर दी गई।